नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सहदेव की प्रत्येक चेतावनी को उन्होंने अर्जुन ने नजरअंदाज करते हुए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि भाव से रखते हुए गांडीव उठाने पहुंच गए थे युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में, जिस वक्त जाना उनका निषिद्ध था। अब उनको अलग तो होना होगा जिस तरीके का उन्होंने वचन दे रखा था उस प्रकरण से, लेकिन 1,00,000 गायों को बचा लाए हैं वो तक्षक की बंदिशों से। तक्षक ने एक प्रॉमिस भी किया है कि आज तुमने मुझे मार दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना प्रतिशोध लेने दोबारा जरूर लौटूंगा अर्जुन। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि अर्जुन क्या नगर में प्रवेश करते हैं या नगर के बाहर से ही अपना वचन निभाते हैं, ये सब जानने के चलते हैं एपिसोड 130 पार्ट 2। सवेरा भी हो गया, वासुदेव श्री कृष्ण भी पहुंच गए हैं। चलो आ तो गए फिलहाल नगर। अच्छा, अर्जुन ने भी भीष्म की तरह श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। अब कोई ना कोई कलर तो पकड़ना ही था। क्या बात यार, खामोशी दिखाई है जो। बिना शब्दों के सारी बातें हो रही हैं। परिस्थिति से सब परिचित हैं और अर्जुन के व्यवहार से भी। हमने प्रण लिया था ज्येष्ठ प्राण। मैंने बिना अधिकार पांचाली के कक्ष में प्रवेश किया। मुझे संन्यास धारण करना होगा और तपस्या करनी होगी। अर्जुन, महाराज पांडु की संतानों में मैं सबसे ज्येष्ठ हूं, फिर भी इतिहास तुम्हें ही पांडुओं का नायक कहे। आशीर्वाद दीजिए ज्येष्ठ। क्या बात है यार, मेरे तप में वृद्धि हो। तप में, अनुभव में, ज्ञान और सामर्थ्य में सदा ही वृद्धि हो अर्जुन। आजकल के टाइम में तारीख कोई बात नहीं है, वैसे तो टिपिकल सिचुएशन था। सिचुएशन कुछ भी हो, वचन तो वचन। ये तो दिखाया गया इसमें, तो स्टार्टिंग से दिखाया गया है। शब्द निकल गए तो निकल गए, पत्थर की लकीर बन गए। कल्याण हो, दक्षिण की ओर जाओ तो सौर सेन के राज्य में अवश्य जाना। मैंने सुना है वहां का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। ये बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं इसमें यार। दुख की घड़ी में मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, भोजन करने में हीन भोजन करूंगा और संयम से रहूंगा। ऐसा मत कहो भाई, मैं रो दूंगा। तपस्या का भोजन से क्या विरोध? अंदर सारा दुख छुपा कर हाथ से प्रकट करना भी कला है। तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में पार्थ। मिलना होगा पार्थ। तपस्या के लिए कहां जाओगे? पूर्व में मणिपुर
और प्राग ज्योतिषपुर के विषय में बहुत कुछ सुना है। वो प्रदेश देखने की बहुत इच्छा है। अवश्य जाओ, किंतु सारा प्रवास करने के बाद द्वारका के पास भगवान सोमनाथ के मंदिर में तपस्या अवश्य करना। आखिरी टारगेट। चंद्र को वहां नया जीवन प्राप्त हुआ था, कदाचित तुम्हें भी वहां कुछ प्राप्त हो। मैं तो बस बता देता हूँ। और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाए। अर्जुन भली बात ही जानते हैं, आपने कहा है तो प्राप्त जरूर होगा। जो लेखनी है आपके हाथ, तो फिर क्या डरने की बात है। इस वक्त बड़े भाई की पत्नी क्षमा करना पांचाली, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम्हारी अनुमति नहीं ले पाए। आपने उचित निर्णय लिया आर्य, आपके अनुभव से हमारे राज्य को लाभ मिलेगा। मुझे धैर्य का पाठ सीखने का लाभ मिलेगा। आपके सपने वृद्धि हो आ रहे। शब्दों में कितनी सरलता थी आज दिखाई दे रही। इतना कठिन निर्णय लेने के बाद जो ये लोग खुद पैदा कर लेते थे वही सुख था। यदि मैं पवित्र और पति बतास्त्री हूं तो आपके मार्ग कोई भी कंकर या पत्थर ना पाए। अरे यार क्या सीन निकाल दिया भाई।
कुछ ज्यादा बढ़िया सीन हो गया यार इस पूरे एपिसोड का हाईलाइट पॉइंट सब खींच लिया उसने क्या बात है यार एक आंसू और जो मनोकामना थी वो देखिए स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग था जो अंकल बेन पीटर पार्कर से कहते हैं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है इस एपिसोड में या इसके पिछले वाले एपिसोड में हमको यही कुछ देखने को मिला कहने का मतलब यह है कि शायद स्पाइडरमैन ने यहां से चुराया भाई ये पहले है ये पहले ये तो महाभारत पहले स्पाइडरमैन की 3 सीरीज बन चुकी है तो हर सीरीज में एक ये सीन जरूर दिखाया ये डायलॉग रिपीट जरूर किया है तो उस वजह से क्या ये डायलॉग यहाँ बैठ गया और दोनों डायलॉग्स का और सीन का कंपैरिजन जो ये है महाभारत समझने की कोशिश करता है कि जितनी बड़ी आपके पास शक्ति होती है चाहे वो शक्ति आपके पैसों की हो आपकी बुद्धि की हो आपके बल की हो किसी भी प्रकार की हो परिवार में आप सबसे बड़े हैं परिवार में आप सबसे छोटे हैं ये भी एक शक्ति उस शक्ति के साथ उस जिम्मेदारी का वहन करना भी उतना ही आवश्यक होता है अर्जुन ने ही जिम्मेदारी आपको वहन करनी चाहिए अर्जुन ने पिछले एपिसोड में सहदेव से बोला था जबकि सहदेव ने यह कहा था कि मैं जाता हूं रक्षण करने और अर्जुन ने उनको रोका क्योंकि वो जानते थे कि वो मायावी उन्हें रोक मैं ही पा सकता हूं तो अपने बलिदान दिया अपने सामर्थ्य का ज्ञान अर्जुन को भली भांति है बलिदान भी दिया और बलिदान सारे भाइयों को और देवी द्रौपदी को दिख भी रहा है पिछले एपिसोड में एक सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था यार हाईलाइट कौन था तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं था वो जो सीन था कि एक आंसू गिरेगा और पूरा जो भाव है वो समझ में आ जाएगा कैसे कंकड़ पत्थर नहीं लगे कवच बना दिया पूरे पैरों में उन्होंने अब अद्भुत इमेजिनेशन है इस एपिसोड में कुछ अब ज्यादा नहीं बोलेंगे इस एपिसोड में केवल अर्जुन की विदाई थी वनवास हेतु तपस्या करने के लिए चलते हैं हम अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द फिलहाल इस एपिसोड से यहीं विदा लेंगे जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए राधे राधे।